जैसे कि हरसिल वैली में एक गरतांग गली पड़ती है, वैसे ही आजकल ऋषिकेश में भी गरतांग गली के नाम से एक प्लेस फेमस हो रही है। और कहते हैं कि उस रास्ते से पुराने टाइम पे, मतलब पहले के ज़माने में, वहीं से पैदल ट्रैक करते थे अपने चारों धाम का। तो भाई अभी हम रुके हैं यहाँ पे, और यहाँ से देखो आप सामने क्या ही मस्त व्यू आ रहा है गंगा नदी का। तो ये रही आपकी महादेव चट्टीधार, और बाकी यहाँ से पैदल ट्रैक नीचे का। तो अभी चलते हैं पैदल, देखते हैं भाई कितना ट्रैक होने वाला है नीचे का। तो भाई ये लोकेशन यार वीडियो में देखी थी, और आज भाई खुद आ गए यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। रास्ता बड़ा डेंजर है, थोड़ा आराम से आना है। देखो तो अभी भाई हम सामने से लेफ्ट की तरफ आ चुके हैं। कोई मिस्टेक मत करना, यहाँ से मिस्टेक की और सीधा नीचे नदी में। तो अभी हम आ चुके हैं प्रॉपर रील वाली जगह पे, जो कि हमने रील में देखी थी। ये देखो आप, ये रही भाई वो जगह जो कि आज तक हम इंस्टा रील में देखते आए थे। और बाकी अभी हमारे सामने, ओ भाई साहब क्या तो व्यू आ रहा है बढ़िया सा। तो हेलो जी, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, और स्वागत आपका एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ऋषिकेश से। अभी जस्ट हम ऋषिकेश पहुँचने वाले हैं, और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं एक प्यारी सी जगह पे, एक सुंदर सी जगह पे। और वो जगह आजकल इंस्टाग्राम में यार रील्स पे काफ़ी ट्रेंड कर रही है, और आप लोगों ने भी काफ़ी बार वो रील्स वगैरह देखी होगी, जिसको कि हम बोल सकते हैं ऋषिकेश की गरतांग गली। तो हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जैसे कि हरसिल वैली में एक गरतांग गली पड़ती है, वैसे ही आजकल ऋषिकेश में भी गरतांग गली के नाम से एक प्लेस फेमस हो रही है। और कहते हैं कि उस रास्ते से पुराने टाइम पे, मतलब पहले के ज़माने में, वहीं से पैदल ट्रैक करते थे अपने चारों धाम का। तो अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं वहीं, और मेरे साथ मेरे भाई है, बस हम दो लोग हैं। और आज हम भी वैसे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उधर, तो अभी आगे देखते हैं भाई कितना दूर होने वाला है। ओ भाई बाइक स्लिप दी किसन, भाई साहब भाई बाइक गई थी पूरी वहाँ पे, वो ब्लैक ब्लैक से जम रखा है कुछ रोड पे। और बाकी जो लोग अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन का वेट कर रहे थे, तो वही बाइक में मैंने मॉडिफिकेशन कर दिए, और बाकी बैक टायर भी चेंज कर दिया है, जो कि हमने डाला है अपोलो अल्फा H1। और वैसे आप लोगों ने वीडियो तो देख ली होगी इससे पहले वाली, जिस पर मैंने अपनी बाइक पर रिंग लाइट्स वगैरह इंस्टॉल की थी, और बैक टायर इंस्टॉल किया था नया। बाकी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो भाई चैनल पर जाके देख लेना। तो अभी भाई हम पहुँच चुके हैं भद्रकाली में, और यहाँ से आज हमको ऋषिकेश नहीं जाना, यहाँ से हम जाएंगे आज सीधा देखो माता रानी। भाई अभी मैप देखना पड़ेगा हमको। तो भाई अभी हम रुके हैं यहाँ पे, और यहाँ से देखो आप सामने क्या ही मस्त व्यू आ रहा है गंगा नदी का। ये सामने मेरी हमारी गंगा नदी, और बाकी वहाँ से ना राफ्टिंग होती है शायद से, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न आ चुका है ना, तो राफ्टिंग वगैरह चालू हो चुकी है, और यहाँ से चालू होती है राफ्टिंग, और बाकी आपको ले जाएगा नीचे तो राम लक्ष्मण झूला तक। बाकी क्या ही बढ़िया व्यू आ रहा है भाई यहाँ से। तो अभी हमको यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर कंटिन्यू करना है आगे, तो चलिए भाई फटाफट निकलते हैं। चल भाई राहुल बैठ बैठ। और वैसे हमें सुबह आना चाहिए था, पर प्लान हमारा सडन बना एकदम यहाँ आने का। जिस हिसाब से यहाँ ट्रैफिक है ना, और जिस तरीके से यहाँ गर्मी पड़ रही है ना भाई, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह सुबह आ जाओ इधर, बहुत भयंकर गर्मी है इधर साइड तो। और ये रूट भी इतना अच्छा नहीं है, इससे लाख गुना बेटर तो अपना उत्तरकाशी वाला रूट है जो चंबा से जाता है। भाई ये देखो ना, गाड़ी के ऊपर पूरी हो जा रही है नाव,
घर आ गए हैं। तो गाइस अभी हमें बयाशी में और घर से मैं जिन लोगों की वीडियोस देख के आया था उन्होंने वही बस अपनी वीडियोस में बयाशी का नाम लिया था, तो मैं भी बस उसी लोकेशन को फॉलो करते आ रहा था अभी। और भाई इतनी सारी वीडियोस देखी ना अभी पीछे बैठ के, पर किसी यूट्यूबर ने भी ना उधर जाने की लोकेशन ही नहीं बताई भाई कि कहाँ से कहाँ जाना है और कहाँ से पहले ट्रैक स्टार्ट होता है। तो मैं अपनी तरफ से भाई ट्राई करूँगा आपको प्रॉपर गाइड करने का, तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो। इसके लिए आप सभी को पहले तो ऋषिकेश आना पड़ेगा, और ऋषिकेश में आके आपको सिंपली अपने गूगल मैप खोलना है फ़ोन में और उस पर सर्च करना है महादेव चट्टीधार। तो बस उसी धार से जाता है हमारा उस प्यारी सी लोकेशन का पैदल ट्रैक। A few moments later. तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं महादेव चट्टीधार में, यहाँ पे देखो आप सामने और यहाँ पे काफ़ी सारी बाइक्स वगैरह खड़ी हैं। देखो जी भाई बड़ी मुश्किल से पहुँचे हम सही रास्ते पे भाई, तब से हम कर रहे हैं बयाशी को फॉलो। और एक बार हम तो बयाशी से वापस जाने वाले थे, हमको लगा कि हम ज़्यादा आगे आ गए, पर फिर भाई एक महानुभाव की वीडियो दिख गई मेरे को YouTube में, तो चलिए अभी हेलमेट से GoPro निकालते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो ये रही आपकी महादेव चट्टीधार और बाकी यहाँ से पैदल ट्रैक नीचे का, तो अभी चलते हैं पैदल देखते हैं भाई कितना ट्रैक होने वाला है नीचे का। और भाई ये लोकेशन यार वीडियो में देखी थी और आज भाई खुद आ गए यहाँ पे, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, पर भाई गर्मी नेक्स्ट लेवल पड़ रही है। तो भाई हमें ना बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, वहाँ से ना दो रास्ते जा रहे हैं, एक उस साइड जा रहे हैं राइट को, पर आपको राइट ना जाके भाई सीधा आना नीचे नीचे, रास्ता भी ऐसा खतरनाक है कि जल्दी आ रहे। और बाकी ये देखो आप नीचे बह रही है गंगा नदी। हाँ सर, तो क्या कह रहे हैं आप? नहीं जा रहा, फिर से बोलिए सर। मैं नहीं जा रहा, ये परेशान हो गए पीछे बैठ के भाई, पर गर्मी का मैं क्या बताऊं भाई साहब, हमको इतनी आदत नहीं है इतनी गर्मी में रहने की। ये देखो भाई ये रास्ता भी यहीं पे आ रहा है ऊपर से और वहाँ से आए पूरा घूम के, पर चलो कोई नहीं पहुँच तो गए फाइनली स्कूल में। ये रहा अभी इसको क्रॉस करना है और अभी सामने से देखना है हमने कहाँ जाना है, राइट जाने के लिए लेफ्ट जाना है, ये भी कंफ्यूजन ही है भाई इधर तो। तो अभी भाई हम सामने से लेफ्ट की तरफ आ चुके हैं, ठीक है, लैंड स्लाइडिंग हो रखी है और यहाँ पे भाई मिस्टेक मत करना, यहाँ से मिस्टेक की और सीधा नीचे नदी में। वाह भाई वाह, क्या रास्ता है, ऐसे खतरनाक रास्ते भी होने चाहिए। तो अभी हम काफ़ी आगे आ चुके हैं पैदल पैदल, और ऊपर साइड देखो अभी इधर गांव भी है और नीचे काफ़ी सारे कॉटेज भी बन रखे हैं और पीछे कैंपिंग का भी था, वहाँ पे काफ़ी सारे कैंप वगैरह लगे थे। तो भाई अभी आ चुके हैं हम कम से कम 1 किलोमीटर दूर और भाई हालत हो चुकी है ख़राब पैदल चल चल के इतनी कड़ी धूप में, भाई पसीने से तरबतर हो गए हम। और बाकी यहाँ से भी सामने वो वुडन पुल दिख रहा है हमको, तो चलिए चलते हैं भी फटाफट वहाँ पर और फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखो भाई सामने अपना पुल दिख रहा है यहाँ पे। ले भाई आ चुका है आपका वुडन पुल, गर्तांगली जैसा दिखने वाला पुल आपका भाई, अब जाके थोड़ा ठंडा ठंडा मिला हमको। और बाकी यहीं पे साइड से वाटरफॉल है, ये राजू वाटरफॉल आपका, ओहो ये रहा वाटरफॉल।
काफ़ी सारे लोग नहा रहे हैं इधर। तो ये था वाटरफॉल। तो भाई अभी हम वाटरफॉल से आगे जा रहे हैं, थोड़ा साइड से आगे भी पुल है। ये देखो भाई ऐसा कुछ लुक है इसका, और सेम टू सेम ऐसी गर्दांगली में बन रखा है, साइड साइड ऐसी लकड़ियाँ लग रखी है। अबे ये तो शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। ओह अच्छा फिर शुरू हो गया। कोटली भेल, इसका नाम है कोटली भेल। तो अभी हम आ चुके हैं प्रॉपर रील वाली जगह पे, जो कि हमने रील में देखी थी। ये देखो आप, ये रही भाई वो जगह जो कि आज तक हम इंस्टा रील में देखते आए थे। और बाकी अभी हमारे सामने, ओ भाई साहब क्या तो व्यू आ रहा है बढ़िया सा। और बाकी ऊपर देखो वो रोड वहाँ पे जिसने बनाई हुई ना भाई, उसके लिए भाई थम्स अप है। खतरनाक जगह पे बना रखी रोड, एकदम हार्ड पत्थर को काट के भाई साहब। ये तो वहाँ तक है, आगे तक वो दूर तक है। और यहाँ से नीचे देखो भाई साहब, यहाँ से तो भाई अगर आप यहाँ से फ़ोन वगैरह से वीडियो वगैरह बनाओगे ना भाई, संभाल के बनाना, अगर नीचे गया तो भाई मिलने नहीं वाला सामान। ये देखो क्या तो व्यू है यहाँ से बढ़िया सा, और काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं इधर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये लोकेशन रिवील हो चुकी है, काफ़ी सारे लोगों को पता चल चुका है इस जगह के बारे में भाई। पर इधर आके ऐसा लग रहा है ना जैसे ही, मतलब जैसा रील में देखने के लिए मिल रहा था ना, वैसा कुछ खास है नहीं इधर। A few moments later. तो इस यहाँ से आगे तक भी वो पुल है, और बाकी सामने भी दिख रहा है हमको थोड़ा बहुत। तो बाकी चलिए अभी चलते हैं यहाँ से घर, क्योंकि भाई गर्मी काफ़ी हो रही है इधर। चलिए भाई अब निकलते हैं यहाँ से घर, बाय बाय कहते हैं यहाँ से इस सुंदर सी जगह को। फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं नीचे से ऊपर, और भाई हालत हो गई खराब। कम से कम आधा एक घंटा लगा हमको वहाँ से ऊपर आने में। यार जाते टाइम तो पता नहीं चला इतना, पर आते टाइम यार हालत हो गई ख़राब कसम से भाई साहब। मतलब जैसे रील में लगता है ना कि बहुत इजी होगा यहाँ जाना या आना, जाना तो क्या फिर भी इजी है, पर आने में भाई हालत हो गई ख़राब। बाकी अभी हमें महादेव चट्टीधार में, और बाकी यहाँ पे एक भाजी का ढाबा है, यहाँ पे आप अपना हेलमेट वगैरह रख सकते हो, और यहाँ पर हेलमेट का 30 रुपये चार्ज पड़ता है। बाकी हमने तो खैर रखा नहीं, हमको भी आते टाइम पता चला, क्योंकि हमको लग गई थी भाई प्यास बहुत ज़्यादा। तो अभी हम अंदर बैठे थे तो भाई जी ने बताया कि यहाँ पे पर हेलमेट का 30 रुपये चार्ज पड़ता है। और भाई हालत तो खैर क्या ही बताऊँ मैं आपको, इधर देखो हाथ पाँव ऐसे हो गए ना, पूरे काले भूत बन गए भाई हम भाई साहब। और भाई जी अंदर कॉमेडी कर रहे हैं कि कल एक बंदा है इधर, वो बोल रहा था कि जिस बंदे ने ये जगह फेमस की ना, उसको मैं यहीं से नीचे फेंकूँगा बस, क्योंकि उसने ऐसा नहीं बताया कि भाई इधर इतनी चढ़ाई है, बहुत चढ़ाई है भाई। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हो ना, तो सुबह के टाइम पे ना या फिर शाम के टाइम पे ना, क्योंकि शाम के टाइम पे या फिर सुबह के टाइम पे धूप कम रहती है, तो चढ़ाई चढ़ना इजी होता है। और अभी दिन के 2 बज रहे हैं, तो फिलहाल अभी हम निकलते हैं यहाँ से अपने टिहरी के लिए, और फिर मिलते हैं आपसे सीधा ऋषिकेश के बाद, क्योंकि यहाँ तो बहुत गर्मी मिलने वाली है हमको ऋषिकेश तक, और साथ में ट्रैफिक भी। तो चलिए फिर मिलते हैं सीधा आपसे आगे। 2000 years later. तो वही राजमा चावल खा के हम पहुँच चुके थे भाई अपने प्यारे से मार्केट चंबा। और बाकी मेरे साथ जो मेरा भाई था राहुल, उसको भी मैंने छोड़ दिया कानाताल, क्योंकि वही जॉब करता है। और अगर यार किसी को ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है ना, तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर देना भाई। और जो भी बंदे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं और अभी तक लाइक नहीं किया, तो लाइक कर दो भाई। और बाकी अभी तक भी अगर किसी को ये वीडियो इतनी देख के भी समझ नहीं आया कि लोकेशन है तो है कहाँ, तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ मैं आपको लोकेशन वाइज लिख दूँगा पूरा डिटेल,